को देखते हो फौरन समझ आएंगे कि इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। एक को ऐड कर लेते हैं यू, ठीक है, यू बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरी को ऐड कर लेते हैं वी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। अब देखें इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इधर क्या है, एक्स है, तो डी बटा डी एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, इधर कॉस एक्स इसका स्क्वायर। अब कौन सा रूल लगेगा, पावर आती है तो पावर रूल लगता है ना, तो डी यू बटा डी एक्स पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव। अब बेस का डेरिवेटिव ले लेते हैं कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मैंने लिखवाया है जो अभी थोड़ी देर पहले। एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, एंगल का एक्स का वन आएगा वो वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया, एंगल को नहीं भूलना आपने, इधर देख ला, तो ये माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स बन गया, इधर क्या आ रहा है डी यू बटा डी एक्स, इधर आ जाए आप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी बटा डी एक्स इन टू वी, इधर आ जाए आप, डी बटा डी एक्स साइन एक्स इसकी पावर दो, पावर रूल लगाएं, इधर डी वी बटा डी एक्स हो गया, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है टू साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंगल का एक्स का वन आएगा वन मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। अब जरा वो सबसे ऊपर वाला चेन लिखेंगे डी यू बटा डी वी बराबर क्या होगा डी यू बटा डी एक्स, डी एक्स बटा डी वी। एक बात यहां मैं बता दूं, जो दो रकम में लेट की जाती है ना यू और वी, वही दो रकम में इधर आनी चाहिए यू और वी, डी यू बटा डी वी। तो ऊपर वाला चेन लग रहा है डी यू बटा डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये खड़ी है माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स, अब डी एक्स बटा डी वी, डी एक्स बटा डी वी किधर है, ये वाला, ये वाला है। ठीक है, अब देखें ये dv/dx है, क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टाना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था, तो मल्टीप्लाई करके 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 sin x और cos x। अब देखें ये सारी रकम इससे कैंसिल, sin से sin, cos से cos, 2 से 2, माइनस 1 बच जाएगा ना, माइनस 1 आंसर आ गया dv बटा dv। समझ आई इस बार की, यस सर, नोट कर लो, रिवाइज करा लो, देखें इधर सब लोग, तो बस ये रकम जब इस तरह से आएगी, इसको यूलेट कर लेंगे, इसको भी, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा था इक्वल के आगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अलावा डिफरेंशिएट होता है, यहाँ अगर वाई होता तो वाई के हिसाब से करते। अब इसको अगर पावर आ रही है तो पावर लग गया, पावर शुरू में, पावर से माइनस बेस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, अब ये टू ये वाला माइनस शुरू में आ जाएगा माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ गया डी यू डी एक्स, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, पावर रूल आ गया, पावर शुरू में, पावर में माइनस बेस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस, अब ये टू साइन एक्स कॉस एक्स, अब ये चेन रूल सबसे ऊपर वाला वो लगा दिया डी यू डी एक्स, डी एक्स बटा डी वी, ये डी यू डी एक्स की कीमत लगा दी डॉट, ये डी एक्स बटा डी वी की, ये जो रकम इसको उल्टा दिया, ये डी वी बटा डी एक्स का, तो हमने इसको उल्टाया तो वन ओवर टू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ये इससे कैंसिल, माइनस वन आंसर आ गया।